हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। यस गाइस, जैसे कि आपको पता है, आप किसी भी पीडीएफ फाइल को डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते, बट हमें कभी कभार ऐसा पीडीएफ फाइल मिल जाता है जहाँ पर हमें कुछ एडिट करना पड़ता है, कुछ चेंजेस करना पड़ता है, बट हम उस पीडीएफ फाइल को डायरेक्टली एडिट नहीं कर सकते। सो गाइस, इसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि आप इस पीडीएफ फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर लो। उसके बाद वहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना है, कुछ भी एडिट करना है, आप कर सकते हो। तो गाइस चलिए, मैं आपको सिंपल वे में बताता हूँ कि किस तरह से आप किसी भी पीडीएफ फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये एक मेरा पास जीएसटी सर्टिफिकेट है, ये एक पीडीएफ फाइल है और इसमें मुझे कुछ चेंजेस करना है, कुछ एडिट करना है। मैं फाइल को ओपन कर लेता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो गाइस, ये मेरा एक जीएसटी सर्टिफिकेट है, तो इसमें मुझे कुछ एडिट करना है, ठीक है, मतलब कुछ नेम चेंज करना है, बट मैं अब ये कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये पीडीएफ फाइल है। तो उसको आप कैसे करेंगे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एमएस ऑफिस, ठीक है, एमएस ऑफिस। ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो गाइस, ये इंस्टॉल हो चुका है, अभी बस आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको सिंपली यहाँ पर रजिस्टर कर लेना है, मतलब अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। अगर आप अकाउंट क्रिएट नहीं करेंगे तो आपको ये ट्रायल मांगेगा या फिर सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मांगेगा, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। इसे सबसे बेस्ट यही है कि आप एक अकाउंट क्रिएट कर लेना। तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली गाइस यहाँ पे गेट स्टार्टर पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है गो प्रीमियम विथ माइक्रोसॉफ्ट 365, तो इसको आपको स्किप कर देना है, हमें इसे पैसा नहीं देना है, ट्रायल नहीं चाहिए हमें। तो देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर द फ्री ट्रायल यू विल पे 489, ये सब आपको स्किप कर दो, स्किप फॉर नाउ। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ट्रायल लेटर पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद गाइस, आपको सिंपली यहाँ पर देखिए, आपको होम प्रोफाइल है, होम प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप अपना अकाउंट से लॉग इन कर लेना, ठीक है, मतलब जो भी आपका अकाउंट ऐड कर लेना, अपनी ईमेल आईडी ऐड कर लेना। अगर आप ईमेल आईडी ऐड नहीं करोगे तो आपको ये आप काम नहीं कर पाओगे, आपको जो फीचर्स है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी एक ईमेल आईडी लॉगिन है यहाँ पर, और अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको सिंपली ऐड अकाउंट पर जो प्लस आइकन यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना एक ईमेल आईडी देके पासवर्ड लॉगिन कर लेना। अगर आपके पास कोई ईमेल आईडी है, पहले से ईमेल आईडी बना हुआ है, तो उसको आप दे देना। अगर अदरवाइज आपको सिंपली यहाँ पे क्रिएट वन पे आप क्लिक करना, और क्रिएट वन पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे आप अपना फोन नंबर देना, फोन नंबर डाल के आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना। जैसे कि मैं यहाँ पे मेरा फोन नंबर देके अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ, फोन नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है, तो आप अपना सिंपली न्यू नंबर देके अकाउंट क्रिएट कर लेना। उसके बाद मैं सिंपली साइन इन पे क्लिक करता हूँ, तो साइन पर क्लिक करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो गाइस, अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप सिंपली लॉग इन कर लेना। लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की इंटरफेस दिखाई देगा, बहुत ही सिंपल है। आपको सिंपली क्या करना है, आपका जो पीडीएफ फाइल उसको एडिट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए, आपको सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐप्स करके, तो आपको सिंपली ऐप्स पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे ऐप्स पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको बहुत सारा टूल्स मिल जाएगा। तो आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है पीडीएफ टू वर्ड, तो आपको सिंपली पीडीएफ टू वर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको सिंपली ब्राउज पर क्लिक करना है, उसके बाद डिस्क डिवाइस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड और स्टोरेज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ शो नहीं होगा, मतलब आपके गैलरी पे जो इमेज है, जो पिक्चर है, जो डॉक्यूमेंट, वो शो नहीं होगा, ठीक है। अगर आप डाउनलोड भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी शो नहीं होगा, और अगर आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ये शो नहीं होगा। तो इसके लिए इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं आपको सिंपल एक सॉल्यूशन बताता हूँ। आप अपना गैलरी फाइल मैनेजर में जाना, फाइल मैनेजर पे जाने के बाद आपका जो पीडीएफ फाइल जहाँ भी रखा हुआ है आप उसको ओपन कर लेना। जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, इसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। उसके बाद ये जो फाइल है, ये मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट है, बेसिकली मुझे इसको एडिट करना है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा गाइस, इसको मैं सिंपली यहाँ पे प्रेस करूँगा, ठीक है, प्रेस करके मैं इसको यहाँ से प्रेस कर लूँगा। उसके बाद गाइस देखिए कॉपी का ऑप्शन है नीचे में, आप देख पा रहे हो, इसको आप कॉपी कर लेना, ठीक है। तो मैं सिंपली कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ पे फोन स्टोरेज या एसडी कार्ड आपका मर्जी, आप जो जहाँ पे इसको पेस्ट कर दो। तो मैं फोन स्टोरेज पर ही करता हूँ, फोन स्टोरेज पर। यहाँ पे एक फोल्डर अगर आपके पास ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई भी एक फोल्डर में इसको पेस्ट कर दो, और अगर फोल्डर ऑलरेडी बना हुआ है तो वहाँ पे कोई भी फोल्डर चूज कर लो। अगर नहीं बना है तो यहाँ पे जो प्लस बटन यहाँ पे क्लिक करके आप एक फोल्डर क्रिएट कर लेना, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँ, बहुत सारा मेरा फोल्डर बना हुआ है, तो मैं सिंपली यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके एक पहले से मेरा फोल्डर बना हुआ है, तो मैं सिंपली इसके अंदर इसको पेस्ट टू हियर में कर देता हूँ। तो अभी क्या होगा, ये जो मेरा जीएसटी सर्टिफिकेट है डॉक्यूमेंट के अंदर आ गया है। अभी क्या करना है, फिर से आपको वही ऐप में जाना है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ऐप में। तो मैं फिर से यहाँ पे ऐप में आ गया। तो अभी गाइस आपको फिर से एप्लीकेशन में आना है, फिर से ऐप्स पर जाना है, यहाँ पे फिर से पीडीएफ टू वर्ड पर क्लिक करना है, ब्राउज पर क्लिक करना है, डिस्क डिवाइस पर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए मैंने डॉक्यूमेंट में पेश किया था ना, डॉक्यूमेंट में क्लिक करना है। तो आपको देखिए यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी सर्टिफिकेट। तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, और अभी मुझे ये मॉडिफाई कर पाऊंगा। तो अभी ओपन हो रहा है, आप देख लेना मैं किस तरह से इसको एडिट करूँगा और किस तरह से मॉडिफाई करूँगा। अभी मतलब गाइस ये क्या वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो चुका है, मतलब पहले पीडीएफ था ना, अभी ये वर्ड फाइल में कन्वर्ट हो चुका है। अभी देखिए यहाँ पे कर्जर आ चुका है, आप देख पा रहे हो ये है कर्जर। तो यहाँ पे कुछ भी मैं चेंजेस कर सकता हूँ। तो सपोज मुझे यहाँ पर मेरा जो लीगल नेम है, तो देख पा रही है लीगल नेम मुझे इसको चेंज करना है। सपोज मैं यहाँ पे मैं नेम चेंज करता हूँ, प्राइवेट मुझे करना है, पी आर आई
BAT प्राइवेट लिमिटेड LIMI, ठीक है। तो मैंने लीगल नेम को चेंज कर दिया। पीरियड ऑफ वैलिडिटी मुझे चेंज करना है 1/7/2007 मुझे यहाँ पे करना होगा 01/07/2023, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा कर दिया, मतलब इस तरह से मैंने यहाँ पे इसको चेंजेस कर दिया है। तो आपको भी जो चेंज करना है आप चेंज कर लेना। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर सेव एस पर क्लिक करना है। और कहाँ पे सेव करना है आपको, तो आपको सिंपली क्या करना, डिस डिवाइस पर क्लिक कर देना। सिंपली डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ तो मैं सिंपली यहाँ पे सेव कर दिया। और ये गाइस ये जो फाइल है मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट में सेव हो चुका है। तो मैं अभी आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं सिंपली मेरे फाइल में क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट में देखिए, ये देखिए डॉक्यूमेंट करके आ चुका है जिसको मैंने अभी जो एडिट किया था। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से किया था और मैं यहाँ पे वर्ड व्यू में क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ जो चेंजेस तो मैंने किया है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे लीगल नेम आ चुका है असम हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पहले सिर्फ प्राइवेट था तो मैंने इसको इस तरह चेंज कर लिया है। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने एक PDF फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करके इसमें मुझे कुछ भी चेंजेस करना था मैंने चेंजेस कर दिया है। और उसके बाद मैंने जब इसको सेव किया तो वर्ड डॉक्यूमेंट में मैंने इसको सेव कर लिया है। ये जो फाइल है जिसको अभी हमने चेंज किया है ये अभी वर्ड डॉक्यूमेंट में है। अगर फिर से आपको इसको PDF में कन्वर्ट करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, वही से इस एप्लीकेशन पे आपको आना है MS Office में, फिर से आपको यहाँ पे एप्स पर क्लिक करना है। तो इस बार आपको सिंपली डॉक्यूमेंट PDF में क्लिक कर देंगे तो ये जो वर्ड डॉक्यूमेंट है वो PDF में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आप किसी भी PDF फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसको एडिट कर सकते हो। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।